बिहार 38 जिलों में 22 जिले बाढ़ प्रभावित जिले हैं। बेगूसराय भी उसमें बहुत ही बाढ़ प्रभावित है, क्योंकि 3 नदियों से घिरा हुआ है, गंगा, बलान और गंडक। 8 ब्लॉक पूर्ण रूपेण फ्लड अफेक्टेड हो गया है और इसे बाढ़ क्षेत्र घोषित करके किसानों को उसका लाभ दिया जाए और बाढ़ के बाद किसानों के लिए बीज और खाद की व्यवस्था तुरंत हो, इसकी चिंता होनी चाहिए। लेकिन अब बेगूसराय शहर पे ही खतरा हो गया है। लखमिनिया गुप्ता बांध से 100 मीटर पर सिंहपुर बलहपुर कट चुका है, कई घर कल ध्वस्त हो गए। अगर ये कट करके लखमिनिया गुप्ता बांध कटा तो बेगूसराय बह जाएगा। इसलिए मैं प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़र में देना चाह रहा हूँ, तात्काल और बाढ़ के बाद जो यहाँ फ्लड फाइटिंग होना चाहिए बलहपुर का मटिहानी प्रखंड में, जो आपने 2021 में घोषणा की खोरमपुर से पश्चिम एक रिंग बांध का, ये 2 नहीं हुआ तो बेगूसराय आने वाले दिन में शहर नहीं बचेगा। विधायक जी ने कहा कि प्रशासन की ओर से जितना व्यवस्था करनी चाहिए, डिमांड बढ़ता है, वो तात्कालिक व्यवस्था है, वो व्यवस्था हमें पूर्ण निदान नहीं देता है। पन्नी हो, कम्युनिटी किचन हो, ये तात्कालिक होता है। हम चिंतित हैं तात्कालिक भी हो और जो अस्थाई निदान हो, नहीं तो बेगूसराय शहर खतरे में है, इसकी चिंता हम लोगों को है। और इसे जब तक अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे अगर कमेगा, तो अभी घर गिरना शुरू हो गया 100 मीटर पर, मैंने बार बार कहा कटाव शुरू हो गया है। अगर लखमिनिया गुप्ता बांध कट गया तो बेगूसराय बह गया। दियारा इलाका है जो भगवानपुर प्रखंड है, जो बछवाड़ा का प्रखंड का एक छोटा सा भाग आता है, बलान की बात करो। अधिकारी से बात की है कि बांध के इस पार जो महा इसको कहते हैं नगर निगम का क्षेत्र भी बाढ़ से प्रभावित है और ये नगर निगम में बेगूसराय में है तो नगर निगम, गांव से भी बदतर स्थिति उनकी हो गई है। ना वो लाभ मिल पा रहा है, न बाढ़ का मुआवजा मिल पा रहा है। इसलिए मैंने कृषि पदाधिकारी से अभी अनुरोध किया है कि नगर निगम क्षेत्र को भी सरकार को एक दिन बाद ही दें, लेकिन पूरे भेंट बेगूसराय का रिपोर्ट दें। मैं क्या यहाँ से गया है मैंने देखा नहीं, लेकिन जो बांध के उस पार है फलट सांभो तक बलिया साहेबपुर कमाल, उसको आपने फ्लड में लिया है, लेकिन सीपेज से जो फसलें बर्बाद हो रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।